लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कामाख्या जाने के लिए एक रास्ता मेरे घर के पीछे से भी जाता है। तो ये है वो रास्ता जहाँ से सीधा कामाख्या टेम्पल की पीछे की तरफ आप जा सकते हो। रास्ता बहुत ही अच्छा है, इस समय तो बना दिया गया है, बट ऊपर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। फिर भी हम एक बार कभी ना कभी मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी वो रास्ता, वो भी बहुत अच्छा है। घना जंगलों के बीचों बीच में से वो रास्ता गुजरता है। एक बार मैं तो सुबह गई थी अकेली, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना, थोड़ा सा जंगल ज़्यादा है और चीता यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। आसपास की जो पीछे की जो जंगल है ना, यहाँ पर चीता बाघ यानी लेपर्ड दिखाई देता है। अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ मेरी ससुराल, मेरी पुरानी ससुराल। यहाँ शादी होकर मैं आई थी, तो ये बिल्कुल जंगलों के बीच में ये घर है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इस घर के साथ बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई है। तो बस यही है मेरा ससुराल, जो सबसे पुराना वाला ससुराल है। ये है मेरी पहली ससुराल। अभी हम जहाँ रहते हैं, मेरे जेठानी और जेठ जी जहाँ रहते हैं, वो मेरी दूसरी ससुराल है। और ये है मेरा पहला ससुराल। पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखिए पीछे मैं आपको लेकर दिखा चलती हूँ। देखिए ये पूरा पहाड़ की जो दीवार है ना, यही से स्टार्ट होता है। और इसी जगह पर मैंने एक बार रात में चीता बाघ की आवाज़ सुनी थी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी। ये है किचन, यहाँ मैं खाना बनाती थी। यहाँ पर है हमारा मंदिर, और ये है बेडरूम एक। यहाँ पर मेरे दिखा के ससुर ना जी बैठते थे, सोते थे। ये उनका घर है, रूम था। और यहाँ से मेरी बेटी खिड़की से लोगों को जब जो भी आना जाना करते थे, वहाँ से वो बुलाती थी। और लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा शौचालय। हमारे इस घर में ना बाथरूम और वॉशरूम जो है, ये यहाँ नहीं है, घर के अंदर नहीं है, ये घर के बाहर है। और पीछे पूरा घना जंगल है, सांप, हिरन और चीता बाघ कभी कभी देखने को मिलता था। हालांकि मैं अब देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे घर हो गए बहुत हैं, बन सारी गए यादें हैं हैं। इस घर के साथ जुड़ी हुई। मैं शादी होकर इसी घर में आई थी। मेरे ससुर जी यहीं पर अपना लास्ट 35 ईयर्स बिताए हैं और मैंने लास्ट बार इनको यहीं पर देखा था। यह है उनका कमरा, यहाँ से वो रास्ते को देखते थे। और मेरी बेटी जो छोटी थी, 2-3 साल की जब थी, तब ये इसी खिड़की से वो सबको बुलाती थी। तो इस लाल वाले घर के साथ बहुत सारा यादें जुड़ा हुआ है। मैंने शादी होकर भी यहीं पर आई थी, मेरी जेठानी भी यहीं पर आई थी, मेरी और दो जेठानी जो है वो भी इसी घर में आए थे सबसे पहले। हाँ, जिंदगी बदल जाती है, घर भी बदल जाते हैं। तो अब इस घर को करते हैं अलविदा, निकलते हैं दिल्ली की ओर। आज मेरा लास्ट डे है। थोड़ा बहुत घूम फिर कर रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा मिलकर घर वापस जाएंगे। 2 दिन का सफ़र था, बहुत अच्छा गया। तो ये है वो लाल वाली घर, लाल कुठी। लाल कोठी। ये वाले जो घर है ना, ये असम पैटर्न का घर है। ऐसे होते हैं असम के घर, ट्रेडिशनल घर। अब तो सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। असम पैटर्न का घर बहुत कम देखने को मिलता है, गांव में है। कुछ कुछ घर अभी भी ऐसा ही है। बाएं साइड में है वो पहाड़, पहाड़ी इलाका। ये भी खाली मैदान पड़ा था, अब यहाँ पर गैरेज बन गया है। वाला घर भी असम पैटर्न का बना हुआ है। ये है ट्रेडिशनल असामीज घर। देखिए पहाड़ बिल्कुल घर के साथ में ही है। और ये है ऊपर पहाड़ी। इसी रास्ते से हम आया जाया करते हैं। গাড়ি আছে, কার আছে, সবই মিক্সি ছিল, বুঝছো তো, মিক্সিতেই নিল।
এগুলো নতুন বাড়ি হচ্ছে ওকে খুশি লটারি পেয়েছি আসলে কি মানে ধোকা লটারি লটারি अब मैं तीसरी ससुराल में जा रही हूँ। तीसरी मतलब जहाँ मेरे हस्बैंड की बचपन बीता है, रेलवे क्वार्टर में, और वो इसी इलाके में है। वहाँ पर भी उन लोगों का 35 साल बीता। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं वो क्वार्टर। अब तो वहाँ पर दूसरा कोई फैमिली रहता होगा, कई सालों से एक के बाद एक फैमिली चेंजेस होती ही रही। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उसी जगह पर जहाँ मेरे हस्बैंड की बचपन बीता है। ये सारे हैं वो क्वार्टर्स, उनका नंबर है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसी 15। तो 15 नंबर क्वार्टर है मेरे हस्बैंड का। मुझे लगभग साल तो याद नहीं है, यह इसी 13, इसमें कोई नहीं है। और इस वीडियो के ज़रिए मेरे हस्बैंड भी और जो दूर में मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हस्बैंड के जो बड़े भैया हैं, उनको भी दिखाई देगा इसी 15 या इसी 14, ये है शायद। ऐ एकोंटा को इसी 14 ना, अच्छा ना, वो है इसी 15, मैं सही थी, ये है वो इसी 15, ये वाली क्वार्टर। इसमें अब गेट लग चुका है, अंदर जाए क्या देखते हैं। ट्रेस पासिंग मैं कर रही हूँ, कोई मतलब कुछ गलत ना बोले। ये है वो इसी 15, बहुत बड़ा क्वार्टर है। मैं भी कभी देखी नहीं हूँ, अंदर तो नहीं गई, ये लोग कहते थे। ये इतना बड़ा है, यहाँ पर भी एक कमरा होगा और अंदर एक खाली जगह है। हाँ, ये कमरा है इसी 15 क्वार्टर। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कहानी। और ये पीछे की हिस्सा है, यहाँ पर वॉशरूम है। बहुत बड़ा एक खाली जैसा जगह है, मतलब यहाँ पर बेल की भी पेड़ है एक। और इस क्वार्टर में भी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है, सहेली नहीं, दोस्त ही कहा जाता है, उनका यहाँ पर घर था। और मेरे हस्बैंड वहाँ एक फील्ड है, वहाँ क्रिकेट खेलते थे। बहुत कुछ यादें ताज़ी हो गई, क्या ही बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा दुर्गा प्रसाद भट्टाचार्य जी। और मेरी बेटी इस बार नहीं आई है ना, तो उसको इस वीडियो के ज़रिए पता चलेगा कि उसका पापा कहाँ रहते थे। हम लोग हमेशा बात करते हैं, बातों के ज़रिए में आता है इसी 15। तो बस चलिए, अब मैं जा रही हूँ मेरे ननद के घर, जो इसके पीछे ही है। चलिए लेकर चलते हैं वहाँ। वहाँ मेरी सासू माँ है, सबसे बड़ी सासू माँ, चलिए उनसे भी मिलाते हैं। मैं आ गई मेरी सबसे बड़ी सासू माँ के पास। ये आसाम पैटर्न का घर है और ये रही मेरी छोटी सी सासू माँ। बम्मा की गो, क्या बोना छो, आशो 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 आशो। छोटी सी, देखो डॉल जैसी लग रही है, बिल्कुल छोटी सी। बम्मा सासू माँ मेरी, बसो बसो, आशो आशो। मेरी एक नाती भी है, नाती आएगा क्या अभी? अच्छा नहीं, देखने को नहीं मिलेगा, ये सारा नाती का डॉल है। मैं भी दादी माँ हूँ, बैठो बसो बोसो। और ये मेरी बड़ी ननद है, बोसो। चलिए इन लोगों से थोड़ी बातें करते हैं। देखिए कितना सुंदर किचन है, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। नहीं।
दांत तो है नहीं, फिर भी क्या चबाए जा रहे हो? की खाचो? पान, पान ना सुपारी। यहाँ के लोग ना असमीज जो है वो ज्यादातर पान सुपारी बहुत खाते हैं, चबाते हैं। हाँ सोनाली, रोज तार साथे पहाड़ गाच এই জায়গার মাহাত্মই আলাদা। এইগুলো আগে বিল্ডিং ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো তো ছিল। তাহলে মাঠটা কোথায় যেখানে? ওইদিকে, চলো আচ্ছা ওই দিকটা। হ্যাঁ আপ লোকের সাথে মানে শেয়ার কিয়া হ্যাঁ মেরে শ্বশুরাল কে তিন ঘর। তো আবি হাম বাপস যা রহে হ্যাঁ, জলদি জলদি জানা হ্যাঁ, দোপহর কে তিন বাজে মুঝে ঘর সে নিকল জানা হ্যাঁ, কিউকি চার বাজে ফ্লাইট হ্যাঁ। ये वो जगह है जहाँ मेरे हस्बैंड खेलते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।